औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सगीर असगर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेडी सगीर। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे डिक्लोरान इंजेक्शन के हवाले से कि कैसे और किसके लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है और कौन से लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन मरीजों को पट्ठों का दर्द हो, कमर का दर्द रहता है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसे लोग जिनको पट्ठे का खिंचाव हुआ हो वो भी इसको लगवा सकते हैं। टांगों का दर्द, दांत का दर्द, कान का दर्द, ऑपरेशन के जख्म को जो दर्द होता है वो भी डिक्लोरान इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जबकि बुखार की सूरत में भी डिक्लोरान इंजेक्शन लगवाया जाता है। माहवारी के दौरान जो वो दर्द होता है, पित्ते की पथरी का दर्द, हड्डी का टूट जाना, उसमें भी आप डिक्लोरान इंजेक्शन लगवा सकते हैं। आपने इसको जो है इंट्रा मस्कुलर लगवाना है, आप जो है इसको वेन में नहीं लगवा सकते हैं। अगर डिक्लोरान इंजेक्शन डायरेक्ट आप आईवी लगवाते हैं तो इससे आपकी मौत भी वाकया हो सकती है। जिस्म पर सुर्ख धब्बे बन सकते हैं और घबराहट भी हो सकती है। मजीद साइड इफेक्ट आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी डोज पर। आप डिक्लोरान इंजेक्शन सुबह शाम लगवा सकते हैं और अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है तो 8 घंटे के वक्फा से भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मजीद किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन नजर आ रहा होगा उसको दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो तक मेडी सगीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।